तो नहा धोकर एकदम तैयार, मुंह पर मॉइस्चराइजर कुछ ज़्यादा लगा लिया है, चमक आ गई है, होंठ फट गए थे बहुत बुरी तरीके से, हवा में फटी जाते हैं बर्फी लेवा यहाँ पर चलती है। यहाँ बन रहे हैं हमारे सैंडविच। सुबह तो हमने बटर टोस्ट खाए थे, बड़े ही स्वादिष्ट बनाए थे शुक्ला जी ने, और अब देख सकते हैं आप पूरी जो है प्रिपरेशन चल रही है, जमा की स्टफिंग हो रही है। ये भैया कम से कम 100 रुपये वाला एक सैंडविच है, ये ज़्यादा है? नहीं, 100 तो नहीं पड़ेगा, लेकिन इतनी लागत तो नहीं लगाने का ना, तो 100 रुपये का हमें उतना तो नहीं लगाता है, वो वाली बात कह रहा ना मेरे। कमरा, ये सामने बाथरूम, इधर टॉयलेट अटैच, और ये हमारा सामान जो हमने काफ़ी हद तक पैक कर लिया है, बस हमने रात खाना वगैरह खुद ही बनाया था। हमारी चलने की प्रॉपर तैयारी है, यहाँ से दिखाते हैं आपको कमरे के बाहर का व्यू, कुछ ऐसा है नज़ारा कमरे के अंदर से, और अब चलते हैं बाहर। सामान अभी सब बिखरा पड़ा है, कुछ ऐसा है व्यू कमरे के बाहर। धोली है सब कुछ, फिट है एकदम। क्यों सुला जी, कैसे? बढ़िया सर, बढ़िया। और यहाँ से निकलेंगे अब हम चीचम ब्रिज के लिए, क्योंकि आज का जो हमारा टारगेट है वो चीचम ही है, वहाँ से हम वापस आएंगे। चंदताल का हमारा कोई प्लान नहीं है, क्योंकि जो हमारी बाइक है वो हमें सपोर्ट नहीं कर पाएगी। दरअसल हमारा लगेज आप देख सकते हैं कितना लगेज है, और कुछ ज़्यादा ही है हमेशा की तरह, मैं आपको बताइए कुछ ज़्यादा ही पैकिंग कर लेता हूँ, और परेशान मुझे जब भी करता है लगेज ही करता है। बदलनी पड़ेगी धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता बदलूँगा आदत को। बाकी कमरा मैंने आपको दिखाई दिया था, ये मॉनेस्ट्री और ये टीचर की विलेज, बहुत ही छोटा सा एक गांव, बहुत ही खूबसूरत, और आने वाले समय में डेवलपमेंट काफ़ी होगा यहाँ पर। यहाँ से किब्बर की ओर जाता हुआ रास्ता जिसे हम फॉलो करेंगे। पैदल चलना कितना ज़रूरी है ये यहाँ पर आकर पता लगता है। ट्रैक कोई खास नहीं, 500 मीटर होगा मुश्किल से, और हालत सांस फूली हुई है, आवाज तो निकल ही नहीं रही है। चलते हैं मॉनेस्ट्री पर, ये कुछ ऐसा नज़ारा आ मॉनेस्ट्री से नीचे ये रोड किब्बर विलेज की ओर जाता हूँ, इधर वापस यू टर्न लेकर की मॉनेस्ट्री के लिए, और हमें भी की मॉनेस्ट्री शुक्ला जी फोटोग्राफी कर रहे हैं। मॉनेस्ट्री के अंदर तो शायद मोबाइल आना नहीं हुआ, बाकी देखते हैं, चलते हैं अंदर। और
सीढ़ी को देखकर ऐसा लगता है जैसे ये सीढ़ियाँ तो जान ही ले लेंगी, लेकिन थोड़ा सुस्ता कर निकलते हैं आराम से। पैदल चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आज पता लग रहा है। तो फाइनली हमारे कठिन परिश्रम के बाद हम आप पहुँचे कि मोनेस्ट्री, और ये है मेन मोनेस्ट्री। यहाँ स्टम्प इस तरीके का आपको मोनेस्ट्री भर जहाँ देखने के लिए मिलता है, और ये काफ़ी ओल्ड है मोनेस्ट्री अभी। बाकी चलेंगे अंदर अभी भी। हम आ पहुँचे हैं किब्बर विलेज, और कुछ ऐसा है यहाँ का नज़ारा। हवाएं काफ़ी तेज़ बह रही हैं, इसलिए हमें वॉइस ओवर करना पड़ रहा है। हवा की रफ़्तार का अंदाज़ा आप उड़ते हुए ध्वजा से लगा सकते हैं कि झंडे किसनी रफ्तार से उड़ रहे हैं। बहुत ही तेज़ हवाएं और ठंडी हवाएं, जिसे कहेंगे सूखी ठंड, यहाँ पर पड़ रही है। और ये कुछ इस तरीके का किब्बर विलेज का नज़ारा। काफ़ी शांत ये गाँव है, थोड़ा सा कम ही आबादी है, ज़्यादा आबादी नहीं है। और यहाँ से ही निकलेंगे हम अभी चीचम की ओर। यहाँ से चीचम की दूरी है करीब 5 किलोमीटर, और मौसम एकदम मस्त है, ठंडा काफ़ी है। अगर आपके पास समय है तो एक रात आप किब्बर विलेज में रुक सकते हैं। यहाँ पर आपको होम स्टे वगैरह सब चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। बाकी कुछ देर नज़ारों के मज़े लेने के बाद अब हम यहाँ से निकलेंगे। और अब हमारे सामने था वो व्यू जिसको देखने के लिए हम यहाँ आए थे, चीचम ब्रिज। चीचम ब्रिज को देखकर हमारी सारी थकान जो थी वो दूर हो गई, और काफ़ी ठंडी हवाएं यहाँ पर भी चल रही थी, क्योंकि चीचम ब्रिज काफ़ी हाइट पर है। और जब मैंने बाइक को चीचम ब्रिज के ऊपर चलाया तो मुझे एक अलग ही एहसास हो रहा था, जिस एहसास को करने के लिए आपको भी एक बार चीचम ब्रिज जाना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर हमने कुछ फ़ोटोग्राफी वगैरह की, कुछ रील्स वगैरह बनाई और इन्जॉय किया काफ़ी। थोड़ा हमने करीब यहाँ पर आधे पौने घंटे का स्टे लिया, क्योंकि यह हमारी जो राइड थी उसका आखिरी स्टॉपेज था।
फाइनली हम आ पहुंचे हैं चीचम ब्रिज पर और ये है हमारी स्पीति राइड का लास्ट डेस्टिनेशन, क्योंकि हम इससे आगे नहीं जाएंगे। जो हमारी बाइक है उसके ऊपर ओवरलोड हो गया है, इसलिए हम चंद्रताल नहीं जा पाएंगे और इस बार अपनी राइड को यहीं पर समाप्त करते हुए। कैसी लगी आपको हमारी स्पीति राइड की वीडियो? अगर आपने पूरी देखी है, नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। पिछले 10 दिनों से हम सफ़र पर ही है, निकलते हैं आज। अगर आपने हमारी स्पीति राइड की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर पूरी सीरीज को चेक कर सकते हैं। काफ़ी कुछ जानकारी देने की कोशिश की है मैंने, हो सकता है कुछ जानकारी मुझसे छूट गई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो क्वालिटी में और वॉइस क्वालिटी में मैंने बेहतर से बेहतर करने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को कैसी लगती है आप अपनी राय मेरे चैनल पर ज़रूर दें। आप लाइक डिसलाइक कुछ भी करें लेकिन अपनी प्रतिक्रिया चैनल पर ज़रूर दें। और बहुत ही जल्द मैं आपको लेकर जाने वाला हूं एक बार फिर से एक नई राइड पर। अगला महीना वैसे तो बरसात का है लेकिन बरसात निकलते ही मैं निकलूँगा और इस बार राइड भी होगी, ट्रैक भी होगा, कैंपिंग भी होगी, हर चीज़ होगी और लोकेशन भी एकदम नई होगी। हो सकता है हम उत्तराखंड जाएं, लेकिन अगर उत्तराखंड हम नहीं गए तो एक बिल्कुल नई डेस्टिनेशन पर मैं आपको लेकर जाऊंगा। बने रहे हमारे साथ, अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बाय बाय, टेक केयर, जुलाई।